एवोलिना ने की एजाज खान की बेइज्जती? आखिर क्यों और कब, चलिए जानते हैं। बिग बॉस के घर में देवोलिना एजाज की प्रॉक्सी बनकर आई और इससे पहले उन्होंने एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि एजाज हैं जो अपनी इंसल्ट खुद करवाते हैं। दरअसल जब देबो से पूछा गया कि आप एजाज की प्रॉक्सी बनकर जा रही हैं, उनका गेम तो बिल्कुल ही अलग था और आप उनका गेम कैसे खेलेंगी और उनकी जो कनेक्शन है उनके साथ आप अपना कनेक्शन कैसा रखेंगी, जिस पर देबोलिना कहती हैं उनके कनेक्शन के साथ तो मैं कोई छिड़कानी नहीं करूंगी, मैं भी दोस्ती करने की कोशिश करूंगी और मैं उनसे अपना गेम खराब नहीं कर सकती। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि एजाज की घर में जो कंटेस्टेंट है काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं, जिस पर देबो कहती हैं कि एजाज अपनी इंसल्ट खुद करवाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही अपने आप को इसमें ढाल लिया है जिससे कि लोग उन पर अटैक करते हुए नजर आएं और इसीलिए उन्हें अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था हर वक्त। इसी के साथ देबोलिना कहती हैं कि कभी भी गेम खेलने में शर्माना नहीं चाहिए, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप बेझिझक बोले कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है और मैं यही करूँगा, जिस पर एजाज हैं हमेशा मना करते हुए नजर आते थे और ये बोलते हुए नजर आते थे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है और वो जाकर कहीं ना कहीं अकेले बैठ जाते थे। और यहाँ पर देबो ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी एजाज के लिए जिससे कि उसको हेल्प मिल सके अपने विनर बनने तक में। वेल यहाँ पर देबोलिना ने कहीं ना कहीं एजाज की बेइज्जती तो खुद भी कर दी है। वेल लेकिन जो देबोलिना ने बात कही है उस बात से आप कितने सहमत हैं आप हमारे बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।